So before we start the video, I would just like to tell you about the express batch that we are starting from 3rd of April for the upcoming IPMAT 2024 exam. So if you are an aspirant and you are preparing for the upcoming exam, then this course is the go-to course for you, right? We have created this course after a lot of effort, and for that, you can, you know, click on the courses tab and click on IPM and IPMAT. The link for our website will be available in the comments or in the description. And then you can go down and you can see that we have the pre-recorded videos and we also have the live mentorship program. So the live mentorship program is basically the pre-recorded lectures plus a live mentorship that you will be given from our faculty, in which you will be attending live classes till your exams. And otherwise, you can also just opt for the pre-recorded lectures course, which is the crash course for 6999. And if you also opt for the live mentorship, then you can get the course for 10999, which is the crash course for 2024. So you can click on this one, admissions open, and you will be directed to this page where you can see all the demo videos of the pre-recorded lectures that have been created by the best faculty. This is the express batch, and we also have a coupon code running right now, applying which you can get an instant discount. So if you're preparing for the upcoming exams, then this is the go-to course for you. I would highly suggest that you can enroll for this course, which is starting on 3rd of April. So that is all for today, and let's move on to the video now. So hi everyone, this side Bhavya Taneja. I am a first year MBA student at IIM Rohtak. And आज की वीडियो में मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स देने वाला हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी. नाउ माइंड यू, ये कोई भी जो स्टडी टिप्स हैं ये मैंने कहीं से भी कॉपी नहीं करी हैं, किसी भी मैंने वेबसाइट से नहीं उठाई हैं, ये सारी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई हैं आज तक, ठीक है. अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं क्लास 10th एंड 12th में एक अच्छा स्टूडेंट था. आई यूज्ड टू स्टडी एंड आई स्कोर्ड अराउंड 96% इन माय क्लास 10th एंड अराउंड 94% इन माय क्लास 12th, ठीक है. मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेल इन एनी फील्ड, भले वो आपका अकेडमिक्स हो, भले वो आपकी लाइफ हो, भले वो आपका करियर हो, ठीक है. इफ़ यू यू नो आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू नो हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, देन यू कैन एक्सेल इन एनी फील्ड. अब आज की जो टिप्स हैं वो सारी वो टिप्स हैं जो कि मैंने आज तक गैदर करी हैं टिल माय एमबीए लाइफ, एंड इनको मैं आज तक भी यूज करता हूं एंड दे हेल्प मी अ लॉट, ठीक है. अ लॉट का मतलब आपको समझाता हूं यहाँ पे. देखो, एक पॉइंट होता था जब मैं 10th एंड 12th में बहुत पढ़ता था, ठीक है. देन स्लोली यू मैच्योर, स्लोली यू ग्रो अप, स्लोली यू स्टार्ट टू रियलाइज कि देखो स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि जैसे कि अब मैं एमबीए फर्स्ट ईयर में हूँ, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं पूरा दिन पढ़ते रहूँ, ठीक है. एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गोइंग ऑन, सो यू कैन स्टडी, ठीक है. एंड हार्ड वर्क इक्वल्स टू मोर रिजल्ट्स. लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे जाओगे, यू हैव टू रियलाइज कि आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा एंड आपको अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा. कई जगह हम देखते हैं कि हम लोग ना सिर्फ बुक खोल के बैठे रहते हैं, हम लोग सिर्फ लैपटॉप खोल के बैठे रहते हैं. ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है. एंड लोग आपको देख के सिर्फ यही बोलेंगे यार ये पूरा दिन पढ़ता ही रहता है, ठीक है. वहीं पे अगर आपको बनना है एक ऐसा स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में अच्छा है, जो कि मे बी अपना साथ में स्टार्टअप भी कर रहा है, मे बी वो अपना यूट्यूब भी कर रहा है, मे बी वो साथ में कुछ और काम भी कर रहा है, मे बी वो खेलने भी जाता है, एंड वो एक ऑलराउंडर है, तो आप देखोगे उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि वो सही से कर रहा होगा. एंड स्पेशली अगर वो एक स्टूडेंट है, यानी कि वो एमबीए में है, ग्रेजुएट है, या फिर अभी स्कूल लाइफ में है, और उसके बावजूद वो सब कुछ मैनेज कर पा रहा है, यानी कि उसकी जो पढ़ाई करने का वे है वो बहुत ही अलग है आप लोगों से, ठीक है. अब मैं आपसे ये कुछ टिप्स हैं जो कि शेयर करूंगा, एंड आई हैव नोटेड दीज टिप्स डाउन, एंड दीज आर नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, ये बस वो टिप्स हैं जो कि मेरे दिमाग में आई हैं एंड जो कि मैं आज तक यूज़ करता हूँ. ओके, जो पहली टिप है वो ये है कि देखो, आपका जो दिमाग है ना उसको अलग अलग वे से चीज़ें को समझाओ, ठीक है. लिख के याद करो, पढ़ के याद करो, बोल के याद करो. ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इसका ना आप इंपॉर्टेंट समझते नहीं हो. कई बार हम क्या करते हैं, हमको एक अगर पीपीटी मिली है या एक बुक मिली है तो हम उनको पढ़ते रहते हैं बार बार. देखो, आपको सोचना पड़ेगा कि साइंटिफिकली आपके दिमाग में हो क्या रहा है. देर आर अ लॉट ऑफ न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस दैट आर बीइंग फॉर्म्ड इन योर ब्रेन व्हाइल यू आर डूइंग एनीथिंग, ठीक है. अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको उसको यू नो अलग अलग टाइप से पढ़ना पड़ेगा ताकि उसके डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस आपके दिमाग में बने एंड यू आर बेटर एबल टू रिटेन इट. यानी कि आप उस चीज़ को पढ़ो भी, आप मे बी उस चीज़ को पढ़ने के बाद हाथ रख के बोलने की कोशिश करो, ठीक है. देन हो सकता है आप उसको एक बार अपने मन में केवल सोचो, ठीक है, या फिर आप मे बी चलते चलते उसको पढ़ रहे हो, ठीक है. ऐसे होता क्या है, जब आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो एंड देन यू आर यू नो स्टडिंग द सेम थिंग एंड मे बी यू आर रीडिंग ऑल्सो, राइटिंग ऑल्सो, स्पीकिंग ऑल्सो, देन आपके जो कनेक्शंस बनते हैं आपके ब्रेन के अंदर दैट आर मच बेटर. एंड ये चीज़ मैंने खुद रियलाइज करी है. एंड जो चीज़ अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे हो पिछले एक घंटे में, वो शायद आप 10 मिनट में लर्न कर लोगे इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स.
ठीक है. द नेक्स्ट टिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये चीज मैंने बहुत लेट रियलाइज करी थी कि यू नीड टू चेंज योर प्लेस ऑफ स्टडी फ्रीक्वेंटली. ठीक है, लोग बोलेंगे कि नहीं यार आपको तो एक स्टडी टेबल होनी चाहिए, आप वहीं बैठो पूरे टाइम. यार इट इज नॉट पॉसिबल. आप इमेजिन करो आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका कोई एग्जाम आ रहा है, यू हैव टू स्टडी फॉर 8 to 10 hours, ठीक है, एवरी डे आई एम सेइंग. एंड 8 to 10 hours अगर आप पढ़ रहे हो, चलो 10 hours भी छोड़ो, अगर मैं कहता हूँ आप 4 से 6 घंटे ही पढ़ रहे हो दिन के अंदर, 4 से 6 घंटे भी एक दिन में किसी चीज़ को भी, एक सिंगल सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, स्पेशली सिटिंग एट वन प्लेस. अगर आपसे ये चीज़ हो पा रही है तो इट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन आई वॉन्ट टू गो अगेंस्ट दिस कन्वेंशन कि आप एक जगह बैठ के पढ़ो. मेरे से ये चीज़ नहीं होती है, एंड मैंने खुद रियलाइज करा है कि इफ़ आई चेंज माई प्लेस ऑफ स्टडी आफ्टर यू नो एवरी 1 hour, इट इज़ मच बेटर फॉर मी. बिकॉज होता क्या है कि एक डिफरेंट एनवायरमेंट मिलता है, एक ब्रेन को ना फ्रेश स्टार्ट मिलती है. एंड एज आई सेड, अगर आप अलग अलग जगहों पर बैठ के लर्न कर रहे हो तो आपका दिमाग भी ना एक अलग न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बनता है उसका, यानी कि यू विल हैव मोर कनेक्शन इन योर ब्रेन. And that will help you in retaining whatever you are studying. तो अगर आपको लग रहा है कि आपको एक जगह बैठ के बोरियत हो रही है, आपको पढ़ाई नहीं हो रही है, your brain is getting jammed, just take your laptop, take your book, go study, you know, near a tree या कहीं पर जो कि आपको कोई path मिले, लेकिन वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर शांति हो, ठीक है. एंड आप मे बी अपने रूम में कहीं बैठो, आपके रूम के अंदर की जगह चेंज कर लो, कभी आप बेड पे बैठ गए, कभी आप अपने यू नो टेबल पे बैठ गए, कभी आप फ्लोर पे बैठ गए. चेंजिंग दीज प्लेसेस विल हेल्प यू अलॉट, एंड इफ इट हेल्प्स यू, यू कैन यू नो राइट डाउन इन द कमेंट्स ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट टिप, एंड रिमेंबर ऑल दीज टिप्स आर जस्ट टू इंक्रीज दैट यू नो कनेक्शन दैट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन. तो नेक्स्ट टिप इज दैट यू नीड टू रीड द सिलेबस बैकवर्ड्स. ठीक है, ऐसे भी करके देखो जैसे आपने एक बार पूरी चीज पढ़ ली. नाउ जैसे इफ यू आर से इन MBA, वी आर यू नो वी हैव स्लाइड्स टू स्टडी, अगर 50 स्लाइड्स है, मैंने 50 स्लाइड्स अगर ऊपर से पढ़ी, देन व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गो फ्रॉम द बैक, आई विल ट्राई टू रिकॉल कि जैसे अच्छा लास्ट स्लाइड में ये है, इससे पहले ये था, इससे पहले ये था, एंड देन आई विल स्क्रॉल एंड सी कि क्या हो रहा है. ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका ब्रेन ना सिर्फ ऐसे कनेक्शन नहीं बना रहा, अगर आप आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, यू आर स्टडिंग फ्रॉम द स्टार्ट एंड टिल द एंड एंड यू आर डूइंग दैट साइकिल अगेन एंड अगेन, कोई एक डिफरेंट कनेक्शन नहीं बन रहा है आपके ब्रेन के अंदर. इफ यू रैंडमली पिक अ स्लाइड या इफ यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द बैक, देन आपके जो कनेक्शन बनेंगे आपके दिमाग के अंदर, दैट विल बी अगेन मच स्ट्रॉन्गर. द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. सिर्फ बैठ के गधों की तरह उस चीज को बार 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 पढ़ने से कुछ नहीं होगा या उसको रटने से कुछ नहीं होगा. आप आज रटोगे कल भूल जाओगे, ठीक है, बिकॉज एक आपकी फॉरगेटिंग कर्व होती है, आपकी लर्निंग कर्व भी होती है. वॉट एवर यू आर लर्निंग राइट नाउ, यू आर यू नो बाउंड टू फॉरगेट इट आफ्टर सम टाइम. जो आप लर्न कर रहे हो आज, उसका बहुत ही कम परसेंटेज जो कि आपके दिमाग में रहेगा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मोस्ट ऑफ इट यू विल फॉरगेट इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट, यानी कि अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कंसेप्ट की, भले ही वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, SST हो, अगर आपको यही नहीं पता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, यानी कि ये जो कंसेप्ट है ये क्या मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस ला रहा है, या फिर ये कंसेप्ट का एक्चुअली मीनिंग क्या है, अगर आप उस डीपर लेवल पे कनेक्ट नहीं करोगे अपनी पढ़ाई से, देन आप कभी भी उसको ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन एंड लर्न एनीथिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी. भले ही वो कंसेप्ट क्लैरिटी की आपको यूट्यूब वीडियो देखो या आप नेट से पढ़ो, सपोज फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, रट रहे हो कि यार फोटोसिंथेसिस ये होता है, ये होता है, ये होता है, प्लांट ऐसे करता है, प्लांट ऐसे करता है, इंस्टेड ऑफ अगर आप फोकस ऑन द कंसेप्ट एंड यू वॉच अ वीडियो, वो जो कनेक्शंस बनेंगे ना व्हेन यू आर स्क्रोलिंग. आप देखो, आप कोई चीज़ अगर जस्ट यू आर स्क्रोलिंग, आपको याद आती है यार मैंने 10 दिन पहले वो चीज़ स्क्रोल करी थी, आप मेरे को अभी भी याद है, बिकॉज आपने 4 जगह से वो चीज़ पढ़ी थी, आपने शायद एक वीडियो देखी हो, उसके बाद आपने नेट से देखा हो, उसके बाद आपने कोरा पे पढ़ा हो जाके उसको. अगर आप फोकस कर रहे हो अपने कंसेप्ट के ऊपर, देन वो चीज़ आपको याद रहती है इंस्टेड ऑफ जस्ट मगिंग इट अप. ठीक है, सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. सो द नेक्स्ट स्टेप दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट यू नीड टू स्टडी या लर्न एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी और अ मूवी. नाउ ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी एंड इट इज़ हाईली पावरफुल. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है फिर भी आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू क्रिएट अ यू नो स्टोरी, अ मूवी जिसके अंदर आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं. ठीक है, कई बार ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें जैसे 5-6 पॉइंट याद करने हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर 5-6 पॉइंट्स एट अ गो. ठीक है, बट यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोज 5-6 पॉइंट्स, सो मेक अ कनेक्शन बिटवीन ईच पॉइंट. एक स्टोरी की स्टार्ट करो, एक स्टोरी की एंड बनाओ, ठीक है, एंड उस स्टोरी के बीच में वो सारे पॉइंट्स को आप फिट करने की कोशिश करो कि देखो पहले ऐसे हुआ, फिर इस चीज़ से ऐसे हुआ, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाओ. ठीक है, अगर आपने एक स्टोरी अपने दिमाग में बना ली, सो दैट स्टोरी विल स्टिक विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी फॉर इवन योर लाइफ टाइम, बिकॉज वो चीज़ आपकी पर्सनल है. आपने वो स्टोरी कहीं से कॉपी नहीं करी है, वो जो स्टोरी आपने बनाई है, जो मूवी आपने बनाई है, इट कैन बी इमेजिनरी, उसमें कुछ भी हो रहा है. ठीक है, भले ही कोई आदमी उड़ रहा है, गिर रहा है, एंड यू नो कुछ भी इमेजिनरी हो रहा है, लेकिन दैट स्टोरी इज़ यूनिक टू यू, दैट स्टोरी हैज़ बीन क्रिएटेड बाई यू, दैट स्टोरी हैज़ अ मीनिंग दैट ओनली यू कैन डिकोड.
ठीक है। सो वो स्टोरी आपको हमेशा याद रहेगी। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो कि मैंने रिसेंटली इनकॉर्पोरेट करनी शुरू करी है अपने रूटीन के अंदर इज दैट यू नीड टू स्टडी फॉर शॉर्टर बिट्स ऑफ टाइम एंड यू नीड टू टेक ब्रेक्स। That should be, you know, अब ब्रेक भी कैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उसमें सोशल मीडिया देख रहे हो, इंस्टा देख रहे हो, बिकॉज दैट विल क्लटर योर माइंड। आपका दिमाग खराब हो जाएगा इफ यू आर यू नो स्टडिंग एंड देन यू वॉच सम रील्स, आपका दिमाग कहीं और चला गया, वहाँ पे आपने चार चीजें और देखी, देन आपका यू नो दिमाग वॉन्डर ऑफ हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट योर इंस्टाग्राम, डिलीट योर फेसबुक, डिलीट वट एवर यूजलेस ऐप दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि वो कंप्लीटली यूजलेस है, अगर आपके एग्जाम्स नहीं आ रहे हैं यू कैन यू नो स्पेंड सम टाइम ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर थिंग्स, बट अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं यू आर डिटर्मिंड यू वॉन्ट टू स्टडी फॉर समथिंग जस्ट डिलीट दोज एप्स, बिकॉज आप कितना भी चाहो आप बीच में उसको खोलोगे ही खोलोगे, ठीक है। सो बेटर है कि उनको डिलीट ही कर दो कुछ टाइम के लिए, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो या जो भी आपको करना है, जस्ट यू नो रिमूव इट फ्रॉम योर साइट। आपके साइट के आगे नहीं रहेगा तो आप उसको इतनी ईजिली एक्सेस कर भी नहीं पाओगे, मे बी फ्रॉम लैपटॉप आप बीच बीच में देख लो उसको, बट वंस दैट इज डिलीटेड देन यू नीड टू रियलाइज कि अब देखो अब मेरे पास जो मेन काम है वो पढ़ाई करना है मेरा, एंड पढ़ाई में करूंगा 45 मिनट्स की एक घंटे की, उससे ज्यादा आपका दिमाग चलेगा भी नहीं, आपका फोकस हो भी नहीं पाएगा। सो जस्ट try to you know study at a stretch for 30 minutes 45 minutes 1 hour, after that take a small break depending on ki aapne kitna padha hai, agar aapne 1 ghanta padha hai to aap you know 20 minute ka break le lo, 15 minute ka break le lo, agar aapne aadha ghanta hi padha hai to I would say ki 10 minute ka hi break lo, theek hai, and then start again, but what I'm saying is that in breaks ke beech mein you need to you know use your time very cautiously. I would suggest three things. अगर आप ब्रेक ले रहे हो आई वुड सजेस्ट कि या तो वॉक करके आ जाओ, ठीक है। सपोज मेरा यहाँ पे यू नो कॉरिडोर है तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ एंड मुझे ब्रेक लेना है आई वुड जस्ट यू नो गो आउट ऑफ माई रूम एंड देन आई वुड टेक अ फ्यू राउंड्स ऑफ माई कॉरिडोर, ठीक है। जैसे हॉस्टल होता है तो हॉस्टल के कॉरिडोर्स होते हैं तो यू नो जस्ट मे बी फोन चेक कर लो उसके अंदर थोड़ा सा अपना, या फिर थोड़ा बाहर नेचर को देखो एंड जस्ट टेक अ फ्यू वॉक्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जिमिंग के अंदर हो यू कैन यू नो डू अ फ्यू पुशअप्स ऑल्सो इन बिटवीन दोज ब्रेक्स, क्योंकि दैट विल यू नो गेट योर ब्लड गोइंग एंड अगर आपको नींद आ रही है तो अब वो आपकी चली जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको यू नो जेन्युइनली अपने आप को यू वांट टू इंप्रूव देन आई वुड से दैट यू शुड टेक मेडिटेशन ब्रेक्स इन बिटवीन, यानी यू शुड मेडिटेट इन बिटवीन योर स्टडी सेशंस, ठीक है। आप आधे घंटे पढ़ो पौने घंटे पढ़ो देन मेडिटेट फॉर 10 to 15 minutes। नाउ मेडिटेशन क्या होती है, इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, यू जस्ट नीड टू सिट स्ट्रेट you know and you know just cross your hands and then focus on your breathing, apne breathing pe focus karo, you know in and out and don't try to think of anything else, koi bhi cheez koi bhi thought aapke dimag mein mat aane do, agar aata bhi hai to you know give that thought some time, usko ek solution do, agar aapko cheez pareshan kar rahi hai try to find a solution to that problem and then leave that and then again focus on your breathing, theek hai। ये चीज़ इतनी पावरफुल है एंड इट इज़ हाईली अंडररेटेड, लोग समझते नहीं है मेडिटेशन की यू नो नीड को, बिकॉज इसका कोई ऐसे आपको चीज़ दिखती नहीं है, बिकॉज आप यू नो इफ़ यू आर जिमिंग यू कैन सी योर बॉडी बन जाती है, लेकिन इफ़ यू आर मेडिटेटिंग ऐसा आपको शो नहीं होता है, बट यू विल सी द पीपल हु मेडिटेट द पीपल हु हैव बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जस्ट लाइक जिमिंग, उसकी तरह उनका दिमाग भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है एंड दे आर मच कामर दे आर मच यू नो शार्पर इन डिफिकल्ट सिचुएशन ऑल्सो। सो मेडिटेशन इज हाईली अंडररेटेड, आई वुड सजेस्ट कि आप दिन में एटलीस्ट 10 to 15 minutes मेडिटेट करना स्टार्ट करिए आज से ही, बिकॉज दैट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन योर स्टडीज बट ऑल्सो इन योर अदर एंडेवर्स इन लाइफ। अगली टिप जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एंड एनीथिंग दैट इज यू नो टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल, दैट इज सिंपल एंड इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज यू नो बेटर एंड यू नो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी। सो इफ यू आर जेन्युइनली यू नो यू वॉन्ट टू क्लियर एनी एग्जाम, यू वॉन्ट टू एक्सेल इन लाइफ, यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, बिकॉज दे आर यू नो क्रिएटेड बाय बिग कंपनीज टू यू नो गैदर योर अटेंशन एंड आप वहाँ पे कुछ पे नहीं कर रहे हो बट योर अटेंशन इज वॉट यूर पेइंग, ठीक है, योर टाइम इज वॉट यूर पेइंग विच इज वेरी वैल्यूएबल। सो प्लीज इनसे दूर रहो एंड जितना कम हो सकते हो सके उतना उनसे कम इंटरेक्ट करो, थोड़ा बहुत देखो, मैं आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल इन टुडेज एज, सो मैं भी देखता हूँ बट यू नो आई ट्राई टू मिनिमाइज इट एज मच एज पॉसिबल। फाइनली कमिंग टू द लास्ट टिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब कई बार ऐसे होता है कि यार मैं भी ट्राई करता हूँ कि यार पढ़ने बैठूँ बट पढ़ने का ना एक फ्लो नहीं बन पाता, यानी कि आप देखते हो कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करूँ, एंड दिस ऑल्सो हैपन्स कि आपने मे बी एक बार पढ़ लिया, एक घंटा पढ़ लिया, देन आप जो दोबारा बैठते हो देन ऑल्सो यू डोंट नो कि अब मैं कैसे पढ़ूँ, ठीक है। इसका मेन रीजन है दैट यू हैव नॉट प्लान्ड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट शिफ्ट, ठीक है। सबसे पहले तो बैठो एंड प्लान करो कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, एंड यू नो इफ यू हैव अ बिग टास्क ट्राई टू डिवाइड इनटू स्मॉल टास्क, पहले आप सोचो कि मुझे ये छोटा वाला काम करना है, पहले मैं एक घंटे में इतना पढ़ूंगा केवल, ये मैं 5 पेज पढ़ूंगा आज अभी के लिए, ठीक है।
एंड देन वाइल यू आर स्टडिंग दोस फाइव पेजेस, उससे पहले आप अगली नेक्स्ट शिफ्ट का भी प्लान बना के रखो, यानी कि ये पढ़ने के बाद मैं ब्रेक लूंगा एंड देन आई विल स्टडी दिस। अगर आपके दिमाग में ये लूप हमेशा रेडी रहेगा देन आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे एंड यू विल ऑलवेज नो वॉट टू डू। आधे टाइम हमें पता ही नहीं होता कि मैं करना क्या है एंड दैट इज अ मेजर टाइम वेस्ट, बिकॉज वो आपको डीमोटिवेट भी कर देगा बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है मुझे। एंड देन वॉट यू विल डू इज दैट यू विल एंड अप प्रोक्रेस्टिनेटिंग योर टाइम, यू विल एंड अप वॉचिंग इंस्टाग्राम एंड ऑल। सो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है जो कि मैंने देखी है कि अगर आपका प्लान नहीं है नेक्स्ट डे, आपका आगे आने वाला टाइम थोड़ा बहुत भी अगर प्लान नहीं है, देन आपको बहुत ज़्यादा यू विल बी यू नो डिपेंड ऑन द लाइफ फोर्सेज की जो हो रहा है वहाँ। कोई आपका दोस्त आ गया तो आप वहाँ चले गए, आपके दिमाग में कोई प्लान था ही नहीं, आपको लगा हाँ यार दोस्त आ गए सिक्सा चले जाते हैं। बिकॉज इफ़ यू हैड अ प्लान, इफ़ यू न्यू कि मुझे ये चीज़ अभी करनी है, तो आप शायद उसको बोल दो कि यार अभी मैं काम कर रहा हूँ, 5-10 मिनट बाद मिलते हैं। ठीक है, आपको आपके अंदर ये बोलने की क्षमता ही नहीं आएगी अगर आपके अंदर प्लानिंग ही नहीं है। ठीक है, so that is also very important and these are the tips that I have been following which have been helping me in you know getting good grades in my college years also and my MBA also and iske alawa you know I have been through that journey of you know studying very hard like a topper, pura din padhte rehte hain 10th and 12th mein and then coming to this age jab ab thodi maturity aa gayi and padhna likhna you know aaram se aa gaya and I would you know like to share this with everyone ki aap log bhi you know zyada hard work ke piche aise mat bhago ki yaar I know hard work is right and it is needed if you want to excel in life, but along with that these smart tips are very important if you want to study properly and you want to save your time and you want to do other things also. Agar aapne ye tips incorporate kari then aapka jo study time hai wo waise hi aadha ho jayega, yani agar aap 8 ghante padhte the you will not need that. Aap dekho ki aap kitna time waste kar rahe the and what you can do in 8 hours you can achieve in 4 hours only. Theek hai, so that is all from my side. I hope these practical tips help you and I'll see you in the next video. Till then take care and bye bye, and please subscribe to the channel and share the video if you liked it. Also drop a like because that would motivate me to make more such videos. Thank you.